हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था पेनी की वजह से चन की पावर बहुत ही बढ़ जाती है। फिर वहां पर वांगयू चन को एक बुक दिखाता है, जिसके बाद चन उन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए मार्केट के अंदर चला जाता है। लेकिन उसे एक जड़ी बूटी नहीं मिलती है, जिसका नाम रॉक लोटस होता है। जिसके बाद चन उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए दूसरी मार्केट के अंदर जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें चन को दिखाया जाता है, जो इस व्यक्ति से पूछ रहा होता है इन तीन चीजों के कितने पैसे हुए। जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है इनके 10,000 गोल्डन क्वाइन हुए, वहाँ चन इस बात को सुनकर इन चीजों को वहीं पर रख देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। जहाँ पर ये व्यक्ति ये देखकर और पैसे कम करने लग जाता है। वो चन से पूछता है तुम्हें ये कितने पैसे में चाहिए। वहाँ चन इस बात को सुनकर इस व्यक्ति से कहता है मुझे 1,000 में चाहिए। जहाँ पर ये व्यक्ति इस बात को सुनकर चन से कहता है तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें ये 5,000 में दे सकता हूँ। लेकिन वहाँ चन उसे 1,000 में कहकर वहाँ से जाने लग जाता है। तो ये व्यक्ति चन को 1,000 में इन चीजों को देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद चन उस व्यक्ति को पैसे दे देता है और इन चीजों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ ये व्यक्ति अपने मन में कहता है इस व्यक्ति को हैंडल करना कितना मुश्किल था। फिर अगले सीन में हमें चन को अपने कमरे के अंदर उन चीजों को देखते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन इन चीजों को ठीक तरह से देखकर अपने मन में कहता है मुझे इनके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं दिखाई दे रहा। जिसके बाद चन अपने मैजिक वेपन का यूज करता है और इन तीनों चीजों को इसके अंदर डाल देता है। फिर वहाँ पर वांगयू चन से कहता है तुम्हें 1,000 मिला है। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वांगयू से पूछने लग जाता है मुझे क्या खजाना मिला है। तो वांगयू बताता है ये एक स्पेस रिंग है, जिसके अंदर तुम किसी भी तरह के सामान को रख सकते हो और ये रिंग बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद चन वांगयू से पूछता है मास्टर आप जानते हैं कि इस स्पेस रिंग को कैसे बनाया गया है। जहाँ पर वांगयू चन को बताता है इसके मटेरियल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और तुम अभी तक स्पेस के नियमों को नहीं समझे हो, इसलिए तुम इस स्पेस रिंग को नहीं बना सकते। वहाँ चन इस बात को सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। जिसके बाद वांगयू चन को इस मैजिक वेपन के अंदर अपने खून को डालने के लिए कहता है। जहाँ पर चन उस रिंग के ऊपर अपने खून को डाल देता है और वो रिंग नई बन जाती है, जिसके बाद वो रिंग अपने आप ही चन की उंगली के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ पर चन ये देखकर उस रिंग की पावर को यूज करता है और वो स्पेस के अंदर आ जाता है। वहाँ चन अपने मन में कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद चन एक एक करके अपने कमरे की सभी चीजों को इसके अंदर डालने लग जाता है और अपने मन में कहता है अब मुझे इस रिंग की वजह से अपने सामान को उठाकर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगले ही सीन में हमें चन को बाहर घूमते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तीनों लड़कियाँ मिलकर एक्सवा को मार रही हैं। जिसके बाद हमें इन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की एक्सवा से कह रही होती है तुमने मेरी हेयरपिन को कैसे चुराया। जिस पर एक्सवा कहती है वो हेयरपिन मुझे गार्डन के अंदर नीचे पड़ी हुई मिली थी और मुझे ये नहीं पता था कि वो हेयरपिन आपकी है। जहाँ पर ये लड़की इस बात को सुनकर एक्सवा से कहती है तुम झूठ कह रही हो क्योंकि मैं इस हेयरपिन को हमेशा अपने सर के ऊपर पहने रखती थी, लेकिन तुमने पक्का उस हेयरपिन को चुराया है। इतना कहकर ये लड़की एक्सवा को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर चन आ जाता है और उस लड़की को पकड़कर पीछे कर देता है। वहाँ ये सभी लड़कियाँ चन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती हैं। तो चन इन सभी लड़कियों से कहता है तुम मेरी मेड को कैसे तंग कर सकती हो और क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो। जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ इस बात को सुनकर डर जाती हैं। तो ये लड़की चन से कहती है एक्सवा ने मेरे हेयरपिन को चुराया है इसलिए हम उसे मार रहे थे। वहाँ चन इस बात को सुनकर इस लड़की से कहता है मेरी मेड तुम्हारा हेयरपिन क्यों चुराएगी। जिस पर एक्सवा चन से कहती है मैंने इसकी हेयरपिन को नहीं चुराया है, वो बस मुझे नीचे पड़ी हुई मिली थी और मैंने वो हेयरपिन पहले ही इन्हें दे दी है। जहाँ पर ये लड़की कहती है मैंने एक बार कह दिया कि वो हेयरपिन तुमने चुराया है तो तुमने ही चुराया है। वहाँ चन इन बातों को सुनकर इस लड़की से कहता है तुम क्या यहाँ की बॉस हो, ऐसा लग रहा है तुम यंग रेजिडेंट की बॉस बनने जा रही हो, लेकिन तुम बस यहाँ की सिर्फ एक नौकर हो। वो तुम्हारे पास इतना महंगा हेयरपिन कहाँ से आया, क्या तुमने उसे कहीं से चुराया है। जहाँ पर लड़की इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और चन से कहती है मुझे ये हेयरपिन मास्टर यंग मिंग ने दिया है और अगर आप
मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। वहाँ चन इस बात को सुनकर इस लड़की से कहता है, यंग मिंग, बिना किसी कारण से तुम्हें ये एयरबिन क्यों देगा? तुमने पक्का उस एयरबिन को चुराया होगा? जहाँ पर ये लड़की कहती है, मास्टर चन, तो क्या आप मुझे फंसा रहे हैं ताकि आप मास्टर यंगमिंग के पास आ सकें? वहाँ चन इस बात को सुनकर इस लड़की को एक थप्पड़ मारता है। जहाँ पर ये लड़की चन से कहती है, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? तो चन कहता है, तुम बस एक मेड हो, वो तुम्हें ऐसा कहने के लिए किसने कहा? और तभी वहाँ पर यंगमिंग आ जाता है और वो चन से कहता है, तुम मेरी मेड को कैसे मार सकते हो? वो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी थाउसोल अवेकन हो चुकी है तो तुम इस जगह के राजा हो? फिर हमें वापिस इस लड़की को दिखाया जाता है जो मिंग के पास जाकर उससे हेल्प मांग रही होती है। वहाँ मिंग ये देखकर इस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। वो चन से कहता है, क्या तुम अपनी सीमा को पार करने की सोच रहे हो? जिस पर चन कहता है, नहीं तो मैं तो बस इस लड़की को बता रहा था कि तुम्हें अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसके बाद चन मिंग से पूछता है, तुम्हें क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? वहाँ मिंग इस बात को सुनकर चन को लड़ने के लिए कहता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।